एक अपने सामान्य परिवार का कार्यकर्ता जिसको उठा करके कहां से कहां पहुंचाते ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। समय आ गया विकास का, जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। मंच से घोषणा करता हूं, कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज रीवा दौरे पर थे और सोशल मीडिया पर उनके आज के रीवा दौरे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज रीवा में रोड शो था और इस रोड शो के दौरान सीएम मोहन यादव ने ऐसा कारनामा दिखाया, इसे देख कर हर कोई शोर मचाने लगा। मोहन यादव का ये अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। दरअसल रोड शो के दौरान सीएम ने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर ऐसे घुमाई कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। वहीं मोहन यादव ने कहा, जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता की सेवा के लिए हैं, कोई कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, उसके द्वारा जनता से की गई बदतमीजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता के सम्मान के मामले में समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इन्हें कोई छोड़ने वाला है क्या? अब ये दूसरा मुद्दा खड़ा करने की तैयारी में है, कांग्रेस ने केवल राजनीति की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज यह बात रीवा में कही। एक दिवसीय दौरे पर आए सीएम ने शहर के विवेकानंद पार्क से व्यंकट भवन तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने तलवार भी घुमाई। उन्होंने एनसीसी ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 337 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम डॉक्टर यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम राजन शुक्ल ने संभागीय समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री के अचानक दिल्ली जाने की वजह अभी सामने नहीं आई है। वहीं डिप्टी सीएम राजन शुक्ला ने कहा, जन आभार यात्रा में जनता ने मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि रीवा के दामाद का स्वागत किया है। शुक्ल ने सीएम से मांग करते हुए कहा कि रीवा की धरती से इतनी दौलत पैदा हो रही है कि यहाँ की मंडी को आदर्श मंडी बनना चाहिए। वहीं राजन शुक्ल ने रीवा में बन रहे हवाई अड्डे का लोकार्पण करने के लिए मार्च महीने में मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया है। बता दें, रीवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुल 337 करोड़ 90 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 326 करोड़ 54 लाख के 40 निर्माण कार्यों का शिलान्यास जबकि 11 करोड़ 36 लाख 40 हजार के कामों का लोकार्पण किया है। इनमें दो स्कूल भवन, केंद्रीय जेल की 8 बैरक और नगर निगम सीमा की सड़कों के सुधार समेत नाला निर्माण के 6 काम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।